हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बूस्टर। चलिए इस वीडियो में देखते हैं चैप्टर 14 मेंसुरेशन का वर्कशीट 5 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। द डायमेंशंस ऑफ ए बॉक्स आर 60 सेंटीमीटर इनटू 54 सेंटीमीटर इनटू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे एक बॉक्स है जिसका आपको लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये किस तरह का बॉक्स हो गया, क्यूबॉइडल बॉक्स हो गया। ठीक है, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स ऑफ साइड। ठीक है, तो क्यूब्स है उसका साइड कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया है। कैन बी प्लेस्ड इन द बॉक्स, तो ऐसे क्यूब्स जिनका साइड कितना है यानी एज कितना है 6 सेंटीमीटर है, ऐसे क्यूब्स इस बॉक्स के अंदर कितने रखे जा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो ये बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे, इस बॉक्स का वॉल्यूम निकालेंगे और एक क्यूब का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा नंबर ऑफ क्यूब्स, उस बॉक्स के अंदर हम कितना रख सकते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर लिखते हैं, लिखेंगे नंबर of cubes can be placed in the box। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम बड़े वाले को आप ऊपर रखेंगे यानी बॉक्स को आप ऊपर में रखेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बाई वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। ठीक है, आप यहां पर इस तरह लिख लेंगे, एक क्यूब का हम यहां पे निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे वॉल्यूम ऑफ बॉक्स यानी कि क्या हो जाएगा, यहां पे लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालते हैं, साइड इनटू साइड इनटू साइड हम यहां पे ले लेंगे, ये हमने यहां पे फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब हमको यहां पे दिया हुआ है लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दिया हुआ, तो लिख देंगे 60 सेंटीमीटर इनटू 54 सेंटीमीटर इनटू 30 सेंटीमीटर बाय। अब हमको यहां पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखना है। ठीक है, तो क्या होता है, साइड इनटू साइड इनटू साइड यहां पे होगा। ठीक है, तो हमको यहां पे दिया 6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर इनटू 6 सेंटीमीटर इनटू 6 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे, 6 1 जा 6 6 10 जा 60 6 1 जा 6 6 9 जा 54 6 1 जा 6 और 6 5 जा 30 सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये सब कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना बच गया, यहाँ पे 10 इंटू 9 इंटू 5 बच गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 9 जा 90 90 इंटू 5, तो क्या हो जाएगा, 450 यहाँ पे मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्यूब्स इस बॉक्स के अंदर कितने रखे जा सकते हैं जिसका डायमेंशन ये है, तो 450 क्यूब्स रखे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल, मान लीजिए कोई एक क्यूब है, ठीक है, और उसके हम एज को डबल कर देते हैं, तो हम यहां पे समझेंगे, कोई एक क्यूब है उसका मान लीजिए हम साइड मान लिए एक्स, उसको डबल कर देंगे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तब फिर क्या पूछ रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, तो कितना गुना जो है सरफेस एरिया उसका बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया का मतलब यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया से है। ठीक है फ्रेंड्स, और दूसरा क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, तो बोल रहा है कितना टाइम्स उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। एक क्यूब है, ठीक, उसके हमने साइड क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो इसके टोटल सरफेस एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा और इसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो चलिए यहां पर मान लेते हैं, लेट द साइड बी x। ठीक है, यहां पे लिखेंगे लेट द साइड बी x, हमने इसको x मान लिया, तो लिखेंगे देन इट्स टोटल सरफेस एरिया, ये हम लिख सकते हैं TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का, यहां पे अगर हम निकालेंगे इसका क्यूब का, ठीक है, तो क्या होता है 6L स्क्वायर यहां पे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे हम निकाल देते हैं 6 इंटू, हमने क्या माना है साइड x माना है, ठीक, तो लिखेंगे L का मतलब होता है लेंथ यहां पे, ठीक है, तो लिखेंगे x इंटू x। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, यहां पे 6x स्क्वायर यहां पे हो जाएगा। ठीक है, लेट द साइड बी x, तो हमने साइड को क्या मान लिया, यहां पे x मान लिया है। ठीक, तो जब हमारा यहां पे x था तो ये आया, व्हेन साइड इज डबल, ठीक है, साइड को डबल कर दिया जा रहा है यानी 2x यहां पे हो जाएगा। अब हमारा साइड क्या हो गया, 2x हो गया, तब टोटल सरफेस क्या होगा, तो लिखेंगे देन इट्स
TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। यहां आप सरफेस एरिया दिया तो आप टोटल सरफेस एरिया मानेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहां पे माना है 6L यानी कि साइड कितना माना है, इनटू 2x इनटू 2x हमने यहां पे माना है। तो ये कितना हो जाएगा यहां पे, 6 × 12 = 24 हो जाएगा और x इनटू x हो जाएगा, x स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हमारा जब x था तो ये एरिया था और जब हमने डबल किया तो ये एरिया है, ठीक है। तो कितना टाइम्स ये बढ़ गया, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स सरफेस एरिया इंक्रीज, ठीक है, कितना गुना बढ़ गया, ठीक। तो हम यहां पे डिवाइड कर देंगे तो आप किसको रखेंगे, जो डबल किया हुआ है उसको आप ऊपर रखेंगे, यानी 24x² / ये रखेंगे 6x² रखेंगे, ठीक है। x² कट, 6 हो जाए 6, 6 4 जाए 24, तो कितना आ गया मेरा आंसर, 4 टाइम्स आप यहां पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स बढ़ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया जब हम क्यूब को क्या करेंगे, पहले x था हमने इसको डबल कर दिया तो उसके सरफेस एरिया में कितना इंक्रीज हो गया, 4 टाइम्स इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो चलिए अब यहां पे चलते हैं, क्या लिखा, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, उसका वॉल्यूम कितना बढ़ जाएगा। अगर हम साइड माने x और यहां पे हमने इसको क्या कर दिया, इसको साइड कर दिया 2x, तब इसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो निकाल देते हैं। लेट द साइड बी x, ठीक है, देन इट्स वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाता है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड इनटू साइड इनटू साइड, ठीक है, ये हमारा होता है, ठीक। अब हमने साइड कितना माना है, x माना है, तो x इनटू x इनटू x, तो क्या हो जाएगा, x क्यूब हमारा यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे फिर, व्हेन साइड इज डबल्ड, ठीक है। अब हम साइड को डबल कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक। तो लिखेंगे देन इट्स वॉल्यूम, अब इसके वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा, तो हम यहां पे क्या होता है फॉर्मूला, यस इनटू यस इनटू यस होगा, क्या हो जाएगा, इसी को लिखेंगे 2x × 2x × 2x आप लिखेंगे, ठीक है। तो यहां कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 2 = 8 हो जाएगा और x × x × x हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो जब साइड x था तब इसका क्या वॉल्यूम था, साइड को हमने डबल किया तब इसका वॉल्यूम क्या हुआ, ठीक है। तो ये कितना बढ़ गया, तो यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ टाइम्स वॉल्यूम इंक्रीज, ठीक है, कितना बढ़ गया, ठीक। तो हम यहां पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको हम ऊपर रखेंगे 8x³ / इसको रखेंगे नीचे x क्यूब, ये कट गया, कितना बचा है यहां पे, 8 टाइम्स, यानी कि 8 गुना बढ़ जाएगा उसका वॉल्यूम पहले से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मेरा यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 खत्म हुआ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।